हेलो मास्टर भाई, सब बढ़िया? और घर में सब कैसे हैं? अंकल आंटी उनको नमस्ते कह देना भाई। भाई मेरे घर में तो सब ठीक ठाक है एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के घर में भी सब ठीक ठाक होंगे। खैर गाइस, बात करें इस वाले गेम प्ले की, तो भाई इस वाले गेम प्ले वीडियो में हमको एक ऐसा बंदा मिलता है जो कि हमारी पूरी की पूरी स्क्वाड को पेन से मारता है। अब आप बोलोगे कि भाई कोई मजाक कर रहा है क्या? नहीं भाई, किसी तरह का मजाक नहीं कर रहा। गेम प्ले को एंड तक देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब फिलहाल की बात करें तो हम मिलिट्री बेस कूद रहे हैं एंड हमारे साथ जब एक और स्क्वाड आ रही थी गन फाइट लेने, तब भाई मैं कुछ ये बोलता हूँ। ये यही क्यों आ रहे हैं अब भाई मैं बोलता तो एक बार हूँ लेकिन आवाज 5 बार ऐसे आती है जैसे कि मैं कहीं पहाड़ों पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ। खैर भाई, पबजी के सस्ते ने से हम क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद इस वाले स्क्वाड के 2 बंदे तो कहीं भाग जाते हैं एंड इसके बाद मैं इधर लूट वगैरह कर रहा था तभी एक बोट आ जाता है। इस वाले बोट को मारने के बाद भाई साहब कुछ बंदे 3 स्टोरी की तरफ कूदे थे, मतलब 2 स्क्वाड कूदी थी जिसमें से एक स्क्वाड दूसरी स्क्वाड को वाइप कर चुकी थी एंड कुल मिला के अब वहां पर सिर्फ एक स्क्वाड बची थी जिन पर अब हम पुश कर देते हैं। अब भाई यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि ये टुक टुक वाला खेल, इधर मैं डैमेज दूंगा तुम मेरे को डैमेज दोगे, ये खेल मेरे से नहीं खेला जाएगा। तो भाई मैं इनपे अब सीधा पुश कर देता हूँ। और मेरे भाई इस लास्ट वाले बंदे के साथ ये पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप हो जाती है एंड इस लास्ट वाले स्क्वाड के साथ पूरा मिलिट्री बेस भी क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद मैं अपनी लंबारी लेकर भाई साहब बंदों की तलाश में निकल पड़ता हूँ। Excellent work.
अब जैसे कि यहाँ मास्टर पर भाई आपने का सुना कि मेरे एक टीममेट का अच्छा गेम फ्रीज हो जाता है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेता, मैं गाड़ी को यहीं पे रोक लेता हूँ कि जब वो ऑन आएगा तो भाई हम गाड़ी लेकर पोचिंकी के बीच में से निकालेंगे। अब इसके बाद मैं जैसे ही आगे की तरफ जा रहा था भाई साहब, सामने एक छोटे से छेद में मेरे को किसी की गन दिखाई देती है। अब जैसे मैं इधर आता हूँ तो ये बंदा नोक रहता है। अब ये बंदा नोक है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बंदा तो जरूर है जिसने इस वाले बंदे को नोक किया है। अब इसके बाद मैं इसकी क्रेट से थोड़ी बहुत लूट वगैरह लेता हूँ, एंड तभी भाई सामने मेरे को स्मोक दिखाई देता है। अब यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका था कि यहाँ पर अभी भी बंदे बाकी है। अब सबसे पहले मैं 3 स्टोरी की छत पर जाता हूँ बंदे स्पॉट करने के लिए। और जैसे ही मैं छत पे आता हूँ बंदा मेरे को स्पॉट हो जाता है। भाई मुझे बम मारो कोई आगे पहले, उसके बाद आ सकता हूँ। अब जैसे यार मैं इस वाले बंदे को मारता हूँ तो ये डायरेक्ट किल होता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि अगर पोचिंकी में ये अकेला बंदा था तो इसने स्मोक वगैरह क्यों कर रखे थे, क्योंकि एक बंदा तो कभी स्मोक नहीं करेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर इसकी क्रेट वगैरह लूटने आता हूँ भाई साहब, सामने वाले घर में से मेरे को किसी के पैरों की आवाज आती है। अब जैसे मैं यार नेट की पिन खींचता हूँ तो आपने देखा होगा कि एक बंदा पीछे की तरफ भागता है। अब बंदा पीछे की तरफ भागा है तो मेरे को पता है कि वो बाहर बालकनी में गए होंगे या फिर कूद कर दूसरे वाले घर में गए होंगे। तो मैं फटाफट अपने स्क्वाड को कॉल दे देता हूँ कि भाई आ जाओ यहाँ पर बंदे हैं, लेकिन वो आपस में लगे पड़े थे। एंड भाई यहाँ पर आकर देखो, मैं सबसे पहले एक नेट करता हूँ। सबसे अच्छी बात पता क्या है, मेरे पास ना बैंडेज है ना फर्स्ट एड है। और भाई लकली मेरे नेट से एक बंदा नोक हो जाता है। अब इसके बाद मैं दूसरा नेट कुक करता हूँ एंड इसको भी फेंक देता हूँ, पर भाई इससे कोई नोक नहीं होता। अब इसके बाद मेरे को सिर्फ 2 बंदों के पैरों की आवाज आ रही थी तो मैं सीधा पुश कर देता हूँ। खैर गाइस, उन लास्ट वाले बंदों के साथ अपना पोचिंकी जो था वो पूरा क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद हम पोचिंकी से निकल ही रहे थे तभी मेरे को लेफ्ट से किसी के पैरों की आवाज आती है। एंड भाई ये तो यार एक बोट निकलता है। अब इस वाले बोट को मारने के बाद हम डिसाइड करते कि हम जाएंगे जोर्जो पोल। अब जैसे मैं जॉर्जो पोल की तरफ जा रहा था भाई साहब, सामने मेरे को एक यूएस दिखाई देती है। अब मेरे को इतना पता चल चुका था कि यहाँ पर बंदे हैं तो भाई मैं सीधा ठोक देता हूँ। एंड देखो भाई यहाँ पर क्या गलत सीन होते हैं। भाई साहब यहाँ पर मेरे को यही पता नहीं चल रहा था कि मारना किसको है और बचना किससे नहीं, मतलब कतई खिचड़ी सी बन गई थी नीचे। खैर इसी के साथ भाई ये वाली स्क्वाड वाइप हो जाती है। अब इस वाली स्क्वाड को वाइप करने के बाद हम फिर से यार बंदों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब भाई हम इतनी जगह बंदे ढूंढते हैं पर यार बंदे हमको कहीं भी नहीं मिलते। एंड हमारी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है तो भाई हम डिसाइड करते हैं कि हम घरों में जाकर फ्यूल ढूंढेंगे। अब भाई जैसे यहाँ पर हम फ्यूल ढूंढ रहे थे भाई एक स्क्वाड हमारे पास से जा रही थी तो मैं उनको फायर करके रोक लेता हूँ। एंड देखो भाई इस वाले स्क्वाड को हम कैसे क्लियर करते हैं। नौ करूँ मैं दो को भर कर और भाई बेचारे को क्या ही सैंडविच होता है, क्योंकि हमारा एक बंदा पीछे की तरफ था एक बंदा आगे की तरफ। खैर जो भी था भाई बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मेरे को किसी तरह एक किल मिल जाता है। अब एक किल मिलने के बाद हम इनकी लंबारी उठाते हैं एंड भाई बंदों को ढूंढने निकल पड़ते हैं।
अब इसके बाद हम यहाँ से जा ही रहते, तभी यार मेरे टीममेट को सामने गटका में बंदे दिखाई देते हैं, तो वो इतनी जल्दबाजी से उतरता है कि भैया गाड़ी से ही गिर के नोक हो जाता है। नहीं मतलब ट्रेन वगैरह थोड़ी छूट रही है भाई, जो इतनी जल्दबाजी कर रहे हो। खैर इसके बाद मैं उसको कवर देने के लिए उतरता हूँ, एंड जैसे ही अपनी स्नाइपर निकालता हूँ सामने चार बंदे दिखाई देते हैं। एंड भाई इसी के साथ हमको पता चलता है कि यार ये तो अपने मिलने वाले भाई हैं, अब इनके पास हम जाते हैं, इनसे बातचीत वगैरह करते हैं। अब थोड़ी बातचीत वगैरह करने के बाद हमारे बीच डिसाइड होता है कि हम पेन फाइट करेंगे। अब देखो भाई यहाँ पर वो बंदा मिलता है हमको जो कि हमारी पूरी स्क्वाड को पेन से मारने वाला है। एंड इसके बाद भाई मैं इनके एक बंदे को नॉक कर देता हूँ बड़ी आसानी से, एंड लगे हाथ भैया फिनिश भी कर देता हूँ। अब बारी आती है इनके दूसरे बंदे की, तो सबसे पहले मैं हील करता हूँ, एंड चलो भाई करते हैं इससे पेन फाइट। एंड भाई इसी के साथ इस वाली स्क्वाड का दूसरा वाला बंदा भी नॉक, जिसको मैं सीधा फिनिश कर देता हूँ। अब भाई बचाता हूँ वो वाला बंदा जो कि यार मेरे को ऊपर से नीचे तक कतई हिला के रखने वाला है। तो यार अब हमारी पेन फाइट स्टार्ट होती है। और भाई जब से मैंने वीडियो डालनी स्टार्ट करी है ना यूट्यूब पे, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बंदे ने मेरे को पेन फाइट मारा नहीं। मतलब क्या ही गजब की पेन फाइट ली बंदे ने। खैर इसके बाद ये बंदा मेरे को छोड़ देता है एंड बोलता है कि चलो भाई आपको एक और चांस दिया जाए, क्योंकि आपने हमारे दो बंदों को लगातार नॉक किया है तो आपको भी एक चांस मिलना चाहिए। अब इसके बाद मेरे टीममेट की और इसकी पेन फाइट स्टार्ट होती है जोन में आने के बाद। एंड इसी के साथ भाई जो हमारी गर्ल टीममेट थी उसको भी ये बंदा पेन फाइट मारा देता है। अब इसके बाद सिर्फ मैं और मेरे टीममेट बचे थे, मतलब कि सिर्फ हम दो। एंड भाई मैं उसको बोलता हूँ कि जा अब तेरी बारी, तो भाई वो जा नहीं रहा था। खैर किसी तरह भाई वो जाता है, एंड देखो उसके साथ मतलब क्या ही होता है, खुद ही देखो। शुरू होते ही खत्म हो गया। और भाई ये मेरे टीममेट को कते एक ही बार में नॉक कर देता है पेन फाइट में। अब यहाँ पर भाई मेरे को पता चल चुका था ये कुछ ज्यादा तगड़ा बंदा आ गया मेरे सामने। एंड भाई इसके बाद अब सिर्फ मैं और ये बचे थे, तो हमारे बीच पेन फाइट स्टार्ट होती है। एंड यहाँ पर मेरे पास एक डिसएडवांटेज ये था कि भाई मेरे पास वेस्ट नहीं थी, तो देखो भाई इस वाले मैच का क्या अंजाम निकलेगा। भाई साहब क्या ही नेक्स्ट लेवल बंदा आया था। अब भाई हाई लीग है तो ऐसे बंदे आते रहते हैं। खैर गाइस कैसे लगा यार आपको ये वाला गेम प्ले? अब गेम प्ले अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर करते जाना, एंड चैनल पे पहली बार आ रहे हो एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भाई सब्सक्राइब करके उस बेल के आइकन को जरूर से ऑल पे कर जाना। एंड थोड़ी हेल्प करना चाहते हो तो यार वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सो गाइस मैं मिलता हूं आप सभी को किसी और न्यू गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट गेम प्ले। पीस।